गुड इवनिंग एवरी वन अभी हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ अ फैमिली इन प्रोमोटिंग पीस एजुकेशन वॉट इज़ रोल ऑफ अ फैमिली इन प्रोमोटिंग पीस एजुकेशन सी द फैमिली प्लेज अ फाउंडेशनल रोल इन प्रोमोटिंग पीस एजुकेशन क्योंकि ये एक प्राइमरी इन्वायमेंट है जहाँ पर uh, बच्चा बड़ा होता है बिहेवियर डेवलप करता है स्किल डेवलप करता है ताकि वी कैन से दट द फैमिली एक्ट एज द बेसिस ऑफ पीसफुल लिविंग ना थ्रू डेली इंटरक्शन सपोर्ट एंड गाइडेंस फैमिली इंफ्लुएंस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट इम्पैथी कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉपरेटन ये छोटे छोटे जो आदतें हैं ये फैमिली से ही आ सकती हैं तो तभी तो हम कहते हैं कि फैमिली जो है एक इंस्टीट्यूशन है नो द फर्स्ट पॉइंट इज यू आर टीचिंग कोर वैल्यूज ऑफ पीस सी जो फैमिलीज हैं ना दे टीच फंडामेंटल वैल्यूज जैसे फैमिली ही सिखाती है काइंडनेस रिस्पेक्ट ऑनेस्टी कम्पैशन ठीक है ना तो ये एक पीसफुल बिहेवियर की एक नीव है हम कह सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज योर मॉडलिंग नॉन वायलेंट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ठीक है देखो चिल्ड्रन जो है ना दे ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम हाउ फैमिली मेम्बर्स हैंडल कन्फ्लिक्ट ठीक है फैमिली में कन्फ्लिक्ट को वो कैसे हैंडल करते हैं तो बच्चे उसको देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं ठीक है और बच्चे भी वैसे ही स्ट्रैटजीज अपनाते हैं अपनी लाइफ में कन्फ्लिक्ट को या नॉन वायलेंस को हैंडल करने के लिए ठीक है तो कभी भी फैमिली में कभी आपने देखा होगा कि डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं तो वो काम डिस्कशन के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है रादर देन यलिंग एग्रेशन चीज़ें तोड़ फोड़ करनी ऐसा नहीं होता ठीक है थीके? थर्ड पॉइंट जो है दैट इज योर बिल्डिंग एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस सी फैमिली ही चिल्ड्रन को बताती है कि कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है ठीक है ना क्योंकि जब तक हम इमोशन को मैनेज नहीं करेंगे तब तक हम और काम नहीं कर सकते हैं। जैसे वन पेरेंट्स हेल्प अ चाइल्ड लेबल देयर इमोशन ठीक है तो इनकरेज देम टू कंसिडर हाउ अदर्स फील्स ठीक है ना बच्चे ने गुस्सा कर दिया चीज़ तोड़ दी किसी को ऊंची आवाज़ में बात करी तो उस उनको बताना है कि बच्चे जैसे आपने बात की है सामने वाले को बुरा लगा है ठीक है तो इसी तरीके से धीरे धीरे बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती जाएगी इम्पैथी भी बढ़ती जाएगी और वो पीसफुल इंट्रैक्शंस रखेगा नेक्स्ट पॉइंट इज यूर एंकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग राइट सो ओपन कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली अगर फैमिली में ओपनली बात होती है तो उसमें चिल्ड्रन को ये पता लगता है कि लिसनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने थॉट्स को शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट प्रस्पेक्टिव्स को भी देखना है ठीक है और बहुत सी ऐसी फैमिलीज हमने देखी हैं जो प्रैक्टिस करती हैं एक्टिव लिसनिंग वो एक बच्चे को सेफ स्पेस प्रोवाइड करती हैं ओपन डिस्कशन के लिए नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग कॉपरेशन एंड टीम वर्क ना फैमिलीज जो है ना दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ चिल्ड्रन टू वर्क टूगेदर बहन भाई जो भी कुछ है उनको ये बताते हैं कि साथ में काम करना है एज अ टीम वर्क करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है एक दूसरे को कॉपरेट करना है म्यूचुअल सपोर्ट देनी है ठीक है हाउस या आप ऐसे भी करवा सकते हो कि हाउस होल्ड टास्क है या कोई भी फैमिली प्रोजेक्ट है उसमें मिलजुल के एज अ टीम वर्क काम करवा सकते हैं नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर डायवर्सिटी एंड टॉलरेंस देखो फैमिलीज़ अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं डिफरेंट कल्चर्स के साथ ट्रेडिशंस के साथ उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं और उनको ये भी सिखा सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं बस हमें जो है उनके साथ रहना है ना एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू डिफरेंट लैंग्वेज कल्चर ठीक है इसके थ्रू भी जो है फैमिली पीस एजुकेशन ला सकती है नेक्स्ट इज इंस्टिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है इंस्टिलिंग सोशल रेस्पांसिबिलिटी देखो फैमिलीज़ प्ले अ की रोल इन टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है कि सोसाइटी में पॉजिटिवली रहना है अपना पॉजिटिव इफेक्ट देना है ठीक है कंपैशन के साथ एक्ट करना तो services, है तो पेरेंट कैन इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन कम्युनिटी सर्विसेज जैसे इन्वॉर्मेंट के इनिशिएटिव्स हैं ठीक है बच्चे अभी वन महोत्सव है चलो पेड़ लगाते हैं ठीक है uh, अपने नेबर्स को हेल्प करना ठीक है uh, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स भी ठीक है नेक्स्ट इज इंकरेजिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवेंट